आप सभी दर्शकों का पल पल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा और आज हमारे साथ व्यापारियों के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल भाटिया जी। आज हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। भाटिया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पल पल यूट्यूब चैनल पर। सर, एक सरकार का GST लागू किए लगभग एक साल हो जाएगा जुलाई में। GST को लेकर के काफ़ी सवाल जवाब भी हुए, काफ़ी शंकाएँ भी जाहिर की, सरकार ने कुछ शंकाएँ दूर भी की हैं। तो आपका जो व्यापार मंडल है, ये किस रूप में GST को देखता है और किस रूप में GST होनी चाहिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जैसा कि आपने बताया कि पिछली 30 जून को बाकायदा सरकार ने पार्लियामेंट में रात को 12 बजे घंटा बजा कर GST को विविध रूप से लागू कर दिया। पर जब ये सही रूप में GST हमारे व्यापारियों के सामने आया और ये पता लगा कि GST पूरी दुनिया में सबसे जटिल और सबसे कठिन व्यवस्था जो दी गई है वो हिंदुस्तान में दी गई है, जबकि ये जानते हुए, आप सब जानते हैं कि हमारा देश में काफ़ी व्यापारी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम इस तरह के GST आने से हमारा व्यापारी इतना परेशान है कि कितने उनके कमाई से ज़्यादा उनके खर्च उनके CA उनके मुनीम पर बढ़ गए। तो किस रूप में GST लागू होना चाहिए? और इसके अतिरिक्त हमने सरकार को GST लागू होने से पहले भी जताया था कि क्यों ना GST को आप जहाँ प्रोडक्शन बनती है वहीं फर्स्ट पॉइंट लगा दिया जाए, उसको MRP पे अधिकतम रुपये लगा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की भी देश में ना तो चोरी हो सके और ना आम व्यापारी को कोई समस्या हो सके। और ये पहली बार हुआ है कि एक व्यवस्था वैल्यू एडिड खत जो उसकी जगह GST आई है, पर अंदर खाते इन्होंने वैल्यू एडिड को भी ख़त्म नहीं किया और GST चालू कर दिया और भारी भरकम GST आम व्यापारी के, रिटेलर के, होलसेल के प्रॉफिट में जा रही है। और अब जब हिसाब तो आप साल के बाद लग रहा है तो व्यापारी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा सरकार को GST दे रही है। तो हम लोग जगह जगह जाकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं और सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं कि GST फर्स्ट पॉइंट पर लगा दी जाए, जहां ये कोई भी प्रोडक्ट बनता है और उस पर लगाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी और सही मायने में देश में आर्थिक आज़ादी पहली बार आएगी। सर, आपका व्यापार मंडल एक पहले और भी चल रहे हैं हरियाणा में, आपका भी है, तो आपका किस तरह उनसे अलग है? आप व्यापारियों के हित में क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ और पूरे देश में जितने भी व्यापारी संगठन है, चाहे उनकी दिशा अलग अलग हो, पर उनका गोल एक ही है कि व्यापारियों का किसी जगह हित किया जाए। सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों को सरकारी भ्रष्टाचार से है, उससे दूसरी समस्या कानून व्यवस्था की है। तो समय समय पर हम देखते हैं कि सुरक्षा जो व्यापारी होनी चाहिए आज भी नहीं है, और काम करते करने के बाद भी हम भारी भरकम टैक्स देते हैं, कोई पारिवारिक सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। तो समय समय पर सरकार से मांग करते रहते हैं कि किसी तरीके से जब एक व्यापारी अपना काम उम्र के हिसाब से ख़त्म करता है तो इनको पेंशन मिलनी चाहिए, इनका और भी मेडिकल सुविधाएं जिस तरह सरकारी मुलाजमों को मिलती है वो मिलनी चाहिए, और टैक्सेस का सिस्टम ऐसा हो कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। हरियाणा गवर्नमेंट दावा करती है कि जब से भाजपा सरकार बनी है व्यापारी को काफ़ी सहूलियतें दी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि व्यापारी के समक्ष आज भी कुछ चुनौतियाँ हैं? ये सिर्फ दावा किया है, पर मेरे पास ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं आया कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई बात की हो जिससे व्यापारियों को कोई फ़ायदा हुआ हो। हाँ, एक बात की मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो सरकारी जो व्यापारी हमारे सरकारी किराए की दुकानों में थे, वो इन्होंने बाकायदा उनको मोल देने के लिए कहा है, वो सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी की। तो वो हम मांग कर रहे हैं कि और भी डिपार्टमेंट की दुकानें जितनी किराए पर हैं उन सबको दे दी जाए, पर वो भारी भरकम उसकी कीमत ले रहे हैं, उस कीमत को, इतनी कीमत के व्यापारी दे नहीं पा रहे। एक सरकार ने भले करने का प्रयास तो किया, पर वो भी लगभग व्यापारी को पूरा फायदा नहीं हुआ। तो वो भी हमारी मांग है सरकार से कि उनसे कीमत कम ली जाए ताकि वो अपनी रिश्ते। इसके अतिरिक्त हमारे को पूरे 4 साल में कोई ऐसी घोषणा नहीं लगी जिससे व्यापारी इस सरकार को कहे कि हमने व्यापारी के लिए कुछ कहा है, बल्कि दिन ब दिन जो घटनाएँ हो रही हैं वो और सुरक्षा की अवस्था है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये पिछली सरकार से भी ज़्यादा हमारा कानून व्यवस्था की भयंकर स्थिति है। सर, कल टोहाना में CM का प्रोग्राम था, एक जनता से संवाद था, उसमें CM ने खुद ने घोषणा किया कि व्यापारी के लिए पेंशन शुरू की जाएगी। वो घोषणा हम कई सालों से सुन तो रहे हैं, पर कब से होगी उस घोषणा को प्रैक्टिकली, कब हमारे पास कोई लेटर आएगा? रोहतक में भी इन्होंने सम्मेलन किया था, कई तरह की घोषणाएं की थी, पर आज तक
प्रैक्टिकल रूप में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ हाथ नहीं लगी कि हमें कुछ इनकी बात की सच्चाई लगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका पल पल में। थैंक यू।